आप बताना चाहते हैं हमें क्या चिकन शूट कर रहे हैं आज? आज एक गाने का शूट कर रहे जिसमें कौन है और अमर पाली जी जी। फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का नाम कौन राजा। कौन राजा है? क्या फिल्म है? प्रोड्यूसर साहब ये कौन जी? जीवनी से थोड़ी बहुत थोड़ी मिलती जुलती जी। पूरी तरह से पवन जी की बायोपिक नहीं कही जा सकती है जी। कैसे ये फिल्म आप तक आई कि आपको ये फिल्म बनानी है, प्रोड्यूस करनी है? पवन जी हमारे बचपन के मित्र हैं, हम बैठे हुए थे बाकी बातों में मैटर ऐसा है, हंसी मजाक में बैठे हुए थे तो बात चल रहा था तो हुआ कि एक फिल्म बनाया था। मेरा पहले से भी ऐसा थिंकिंग था कि एक फिल्म हम लोग पवन जी के जीवनी के ऊपर बनानी है। हमने डिसाइड किया तो पूरी तरह से तो जीवनी तो नहीं किया गया, बट उनके बचपन के जो शरारतें हैं या किस टाइप से वो स्ट्रगल करके आगे आए इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने। आपके बचपन के दोस्त हैं तो बचपन के बहुत सारे किस्से भी आपको याद होंगे, पवन जी की शरारतें, हंसी मजाक कुछ शेयर करना चाहेंगे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा अगर हो। मेरे हिसाब से पवन जी को सारी इंडस्ट्री जानती है, आप लोग और अच्छे से जानते हैं। जहाँ तक बात बचपन की रहे, पवन जी बहुत शरारती थे जी, बचपन में बहुत शरारत किया करते थे। शरारतों के बारे में बताया जाएगा तो मतलब हंस हंस के आप लोग तो कुछ तो बताइए, कम से कम हम लोग एक बार तो हंसे। पवन जी जब गांव में रहते थे, या आज का भी मैं उनका बताना चाहूँगा कि मैं भी आज भी मैं और वो एक ही साथ एक घर में रहते हैं मुंबई में भी। पवन जी जैसे जहाँ 10 लोग हैं वहाँ पवन जी का एंट्री होता था तो लोग ये बोलते थे कि भाई पवन आ रहा है चलो गांव। मतलब गांव में लोगों का ये थिंकिंग रहता है, अब आ रहा है तो मस्ती स्टार्टिंग होगी। तो अभी भी वो मस्ती करते हैं नीचे हम लोग साथ में रहते हैं, मस्ती होते रहते हैं। अच्छा, आप जब पवन जी गांव जाते हैं उन दोस्तों से जो लोग उनके गांव में भी अभी दोस्त होंगे उन लोगों से मिलते हैं, तो आप पवन जी कैसे मिलती हैं, वो लोग कैसे मिलते हैं पवन से? बिल्कुल आज से पहले था जो स्टार्टिंग दौर से था मिलने का इनका तौर तरीका, कोई चेंजेस नहीं, कोई स्टार्टर में कोई बदलाव नहीं आया। बिल्कुल अभी भी पुराने दोस्तों को उसी तरह से मिलते हैं जी। किसकी आवाज में है ये गाना? ये गाना पवन जी की आवाज जी। गाने का हम लोग डायरेक्टर साहब से चर्चा हुआ तो किसको रखा जाए, सब लोगों ने सजेस्ट किया कि हम लोग पाली जी को लाया था। हमने पाली जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने तुरंत आपको दिया और पवन को लेकर एक फिल्म जिसमें अम्रपालीपुरी फिल्म में हीरोइन और पवन जी हीरो ऐसे कुछ बता रहे हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि दोनों को साथ में रखकर। समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, बस बहुत जल्द ये हमको जहाँ तक लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बस उसको बहुत जल्द ये चीज़ करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। पूछो राम भाई जी, मैम बात करें आज जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आम्रपाली जी और पवन जी का गाना चल रहा है, पवन राजा फिल्म का नाम, और इस फिल्म में कैरेक्टर मेरा पवन जी की साली का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है बिकॉज पवन जी के जीवन से रिलेटेड ये फिल्म है कि कैसे पवन जी बचपन में गाते थे, ग्रेजुअली बढ़ते गए, स्टार बन गए, सो उसके उससे रिलेटेड है। इस किरदार में कितना डिफरेंट आपको करने को मिला है? क्योंकि इस फिल्म में डिफरेंट ये है कि हमेशा पवन जी की वाइफ बनने का कैरेक्टर प्ले किया है, इसमें साली बनी तो बहुत नया है मेरे लिए और बहुत मस्ती वाला कैरेक्टर। अभी आपकी फिल्म रिलीज हुई है धड़कन तबादला, और क्या कहना चाहेंगे? धड़कन हाल ही में रिलीज हुई, उस पर बहुत प्यार दिया और बहुत आशीर्वाद दिया हमारे सभी दर्शकों ने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और
आज मुंबई में लगी है, तो आई होप मुंबई में भी उतना ही प्यार और उतना ही आशीर्वाद आप लोग इस फिल्म को देंगे। और तबादला को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर जगह पे, उसके लिए एकदम ही शब्द नहीं है, सिर्फ थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू सो मच आप सभी लोग। तबादला में आपका जो रूप था जो है वो एकदम अलग था, भारतीय नारी एकदम टोटली डिफरेंट है, बिकॉज पवन जी की वाइफ का किरदार निभाया उसमें मैंने, और मैंने उसमें गाना भी गाया, पवन जी ने ही गवाया, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उस गाने का भी, और वो कैरेक्टर भी लोगों ने बहुत पसंद किया उसके लिए, थैंक यू। मैं दो लाइन का गाना हो जाए जो दुनिया में सबका से प्यारा तू ही तो बड़ा सहारा, दोहरे के नैना निहारे धड़के ना दिलवा बेचारा। ये लाइन मेरी है और इसके आगे पवन जी की लाइन है, आवाज बहुत लगी हुई है इसकी, मुझे माफ कर देना। और दैट्स आने वाले फिल्मों की बात करें इसके आने वाले फिल्मों की बात करें, आने वाली फिल्म अभी पवन राजा है, उसके बाद चलो भाग चले हैं, एंड उसके आगे की फिल्मों को मैं सरप्राइज रखना चाहूँगी आप लोगों के लिए, इसलिए अभी नहीं बताऊँगी। मैम अभी सावन का महीना चल रहा है, इसी वक्त को लेकर करना। हाँ, सावन का महीना चल रहा है, उसके लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और यही कहना चाहूँगी कि इसी सावन में मुझे जब मैंने पहली बार गाना गाया था पवन सिंह के गाना बजा के, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और इतने सारे व्यूज़ और इतने सारे लाइक्स आप लोगों ने यूट्यूब पे दिया, उसके लिए थैंक यू। और इस बार भी जो मेरा गाना आया है चला बाबा जिला, उस गाने को भी आई होप कि आप लोग उतना ही प्यार और उतना ही आशीर्वाद देंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू।